सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय सेल्फ विशाल चौधरी। आप देख रहे हैं चार्ट टेक सेटअप चैनल। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो हम करने वाले हैं रिव्यू एक बहुत ही अच्छे मदरबोर्ड के बारे में जो MSI की तरफ से आता है और एक काफी डिसेंट प्राइस पर आपको मिल जाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। आप न्यू ले जाओगे तो आपको न्यू भी आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा। ये मदरबोर्ड अभी डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ है, आपको अभी भी मिल जाएगा ऑनलाइन कोई भी साइट पे। सो ये मदरबोर्ड जो है मैं अपने मेन पीसी के लिए बाय करा है उसको अपग्रेड करने के लिए। तो पहले जो मेरा मदरबोर्ड था वो 4th generation का सपोर्ट करता था, बट फिर मेरे को अपग्रेड करना था क्योंकि थोड़ी प्रोसेसिंग वगैरह स्लो थी उसकी स्पीड। तो मैंने सोचा अपने ग्राफिक कार्ड को वही रखता हूँ, बस अपना प्रोसेसर और रैम को अपग्रेड कर लेता हूँ। सो गाइस, जो मदरबोर्ड आज हम यूज करने वाले हैं हमारे पीछे रखा हुआ है, जैसे आपको दिख सकता है MSI की तरफ से आने वाला H110M Pro VHD+, ये जो इस मदरबोर्ड मॉडल नंबर है। सो गाइस, जो मदरबोर्ड है आपको पीछे डब्बे में दिख रहा होगा, तो ये आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। खैर, ये मदरबोर्ड का जो डब्बा है ये इसका डब्बा है भी नहीं, ये दूसरे मेरे मदरबोर्ड आने में, ये मेरे पुराने मदरबोर्ड का डब्बा है जिसका नाम है MSI B85ME45, जो एक इंटेल बेस्ड प्रोसेसर मदरबोर्ड है। ये इंटेल के 4th generation को सपोर्ट करता है। जो मेरे पुराने पीसी में i5 4th generation लगा हुआ था, अब उस i5 6th generation तक अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छी डील मिल गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। देख सकते हैं मेरा मदरबोर्ड रखा हमारे सामने। तो ये मेरा पुराने मदरबोर्ड का डब्बा है, जैसे आपको मैंने बता दिया इसका नाम था B85E45। जिस मदरबोर्ड का डब्बा है उसमें और इसमें ज़्यादा फर्क है नहीं, बस आपके थोड़ा सॉकेट का फर्क है और थोड़ी DDR3 की जगह उसमें DDR4 है, बाकी सब कुछ सेम ही है। USB 3.0 के पोर्ट आपको इस वाले मदरबोर्ड के डब्बे में मिलते हैं, और जो मदरबोर्ड इसके अंदर रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं मेरे नया वाला मदरबोर्ड, इसके अंदर भी मिलते हैं देखने को। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो फर्स्ट इसको निकाल लेते हैं हम डब्बे से बाहर। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको देखने को मिलता है वो आपको थोड़ा ब्राउनिश सा कलर लगता है, पर दूर से देखने में थोड़ा ब्लैक सा आपको दिखाई देगा, पर आप पास देखोगे तो थोड़ा ब्राउनिश सा है। और वहीं आपको देख सकते हो इसमें सॉकेट है, जैसे प्रोसेसर इसमें यहाँ पे लगता है। आपको ये गलती से इसके पिन नहीं मोड़ देने। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगता है वो हमारे लगता है LGA1151 सॉकेट, और जो सपोर्ट करता है वो 6th generation है i3 i5 i7 पेंटियम और सेलेरॉन प्रोसेसर्स की। और वहीं बात कर लें रैम की, तो इसमें आपको 2 dual channel रैम मिलती है। एक में आप 16 GB तक रैम लगा सकते हो, मतलब एक स्लॉट में आप मैक्स 16 GB रैम लगा सकते हो। और तो उसमें टोटल आप देख सकते हो इसकी टोटल मैक्स रैम है वो 32 GB, जो DDR4 टाइप है। और वहीं आप इसमें मेमोरी की मेगाहर्ट्ज जो होगी, मतलब मेमोरी की स्पीड होगी वो होगी हमारे 2133 मेगाहर्ट्ज, मतलब 2000 से ऊपर इसकी मेगाहर्ट्ज है, जो बुरी नहीं है, अच्छी है। वहीं बात कर लेते हैं इसके ऊपर जो आप पेरिफेरल्स लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नॉर्मल पोर्ट, तो साटा के आपको 4 दिखे जाएंगे, जिसमें आप हार्ड डिस्क SSD लगा सकते हैं। NVMe M.2 SSD नहीं लगा सकते, उसमें इसका सपोर्ट नहीं दिया गया, तो आपको SATA SSD से ही काम चलाना पड़ेगा। और वहीं आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें आपको एक ग्राफिक्स कार्ड का पोर्ट भी दिया गया है, जिसका नाम है PCIe 16। तो ये आपका इसमें आप अपना ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो। इसमें मैंने मैक्स ग्राफिक्स कार्ड GTX 1060 तक लगाया हुआ है, जिससे मैंने अपने फ्रेंड से ही लिया है, उसने मुझे इसमें GTX 1060 लगा के दिया था। इसमें पहले GTX 1060 लगा हुआ था, तो आप इसमें आराम से कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हो। और इसका सॉकेट है वो PCIe Gen 3 या Gen 4 का सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मदरबोर्ड थोड़ा सा पुराना हो चुका है। और वहीं बात कर लेते हैं पोर्ट्स की, तो इसमें आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपको 2 USB PS2 टाइप के, मतलब माउस और कीबोर्ड के, और 2 आपको मिलते हैं USB 3.0 के पोर्ट्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं। फिर इसमें आपको एक HDMI का पोर्ट ही मिलता है, मतलब आपको TV वगैरह में चलाना है तो आप डायरेक्ट ही लगा सकते हो, आपको मॉनिटर की जरूरत नहीं है। ये आपका मॉनिटर HDMI सपोर्ट करता है, तो बिना ग्राफिक कार्ड के भी आप HDMI से इसमें इनपुट ले सकते हो। और वहीं देख सकते हो आप इसमें लिखा हो, इसमें एक VGA पोर्ट भी है, जो नॉर्मल आपको कोई भी, अगर आप कोई भी मदरबोर्ड लेते हो पुराना सा, तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका सपोर्ट। और वहीं इसमें 2 USB 2.0 का पोर्ट भी है, और फिर आपको इसमें मिल जाएगा एक ईथरनेट का पोर्ट, जिसमें आपको 2 लाइट्स मिल अपलोड और डाउनलोड की प्रोसेस को दिखाती हैं, मतलब लाइट ब्लिंक्स होती हैं जब आप कुछ भी डाउनलोड या अपलोड करते हो। और वहीं आपको फिर एंड में दिखते हैं आपको इसमें जो ऑक्स पोर्ट्स होते हैं, ये आपका माइक के लिए, ये आपका ऑडियो के लिए। तो देख सकते हो बस यही है इस मदरबोर्ड में। और इसमें जो सेल लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो मदरबोर्ड का टाइम एंड चेंज ना, वो भी ओरिजिनल है, तो मतलब ये 1 साल से ज़्यादा यूज़ मदरबोर्ड नहीं है, ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं गया था, बस कुछ टाइम रखा हुआ था और कुछ ही टाइम यूज़ हुआ हुआ है। 24-pin कनेक्टर, जिसमें आपको दिख जाएगा आपको लगाना है अपने PSU से पावर लेनी है आपको मदरबोर्ड को पावर ऑन करने के लिए, और एक 4-pin कनेक्टर जो आपको प्रोसेसर को पावर देगा। और वहीं बात कर लेते हैं इसमें थोड़े से लुक्स जो इसके हैं, तो आप देख सकते हो इसमें अलग टाइप का पैटर्न है, जहाँ पे इसका आपको प्रोसेसर का फैन लगाना है वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग दिख जाएगा पैटर्न, थोड़ा zigzag टाइप का, जो तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। अगर आपको मदरबोर्ड को आप नेकेड देखोगे, बट उसमें प्रोसेसर लग जाएगा फिर तो दिख नहीं पाएगा आपको, क्योंकि ये ढक जाएगा उसके नीचे। वहीं आप देख सकते हो इसके स्पेशल फीचर्स की बात करी जाए, तो स्पेशल फीचर्स में आपको यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ, मैं आपको 3 आपको इजी डीबग LEDs लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट जो LED है वो हमारी है
CPU की, मतलब अगर आपके प्रोसेसर को कोई भी ये पिन वगैरह मुड़ गया है या आपका प्रोसेसर ही ख़राब है तो ये आपकी LED जल जाएगी रेड कलर की, मतलब आपका कुछ प्रोसेसर में दिक्कत है, तो आप इसे चेक कराओ। तो सेकंड लाइट जो हमारी वो DRAM की, मतलब आपकी डायनेमिक रैम, जैसे नॉर्मल आपकी रैम जो सॉकेट में लगती है अगर वो ढंग से लगी नहीं हुई या वो ख़राब है तो ये लाइट आपकी जल जाएगी, मतलब आपका PC ऑन नहीं हो रहा है तो आपको डीबग करने के लिए कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये लाइट अपने आप पॉपअप हो जाएगी। और फिर वहीं से सबसे नीचे वाली लाइट है वो हमारी VGA। VGA आपकी, मतलब अगर आपका मदरबोर्ड अच्छे से पावर नहीं दे पा रहा है, मतलब आपके मदरबोर्ड में कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, आप PC ऑन करते हो कोई डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, तो आपकी ये लाइट जल जाएगी, मतलब आपके VGA का या तो पोर्ट ख़राब है या आपके में कोई और दिक्कत है, तो आप आराम से डीबग कर सकते हो, आपको और भी कुछ चेक कराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ देते हैं इस मदरबोर्ड में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे SATA के पोर्ट्स, मतलब आप इसमें HDD SSD कुछ भी लगा सकते हो, आपको इसमें कोई भी NVMe का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो हम जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे USB 3.0, अगर मैं आपको दिख जाए लाइट में, क्योंकि लाइट बहुत कम है यहाँ पे, तो USB 3.0 मतलब ये आपके फ्रंट के USB के लिए, मतलब अगर आपको आपका कैबिनेट में 3.0 का पोर्ट है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके सीधा आपके फ्रंट में 3.0 को पावर दे सकते हो। और यहाँ पे फिर आपको दिख जाएंगे JSON वगैरह के पोर्ट्स, मतलब आपको फ्रंट में आपके जो कनेक्टिविटी ऑप्शन होते हैं, मतलब बटन जो आपको पावर ऑन बटन होता है, रीस्टार्ट का बटन होता है, और लाइट्स वगैरह जो होते हैं वहाँ आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस है नहीं। तो इस पर मैं PC बिल्ड करूँगा तो आपको सब दिख जाएगा डिटेल में। अब बात कर लेते हैं कुछ जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं जो इसके पीछे लिखे हैं, जैसे आपको दिखा हुआ है ऑडियो बूस्ट, जो मतलब आपकी ऑडियो की क्वालिटी को अच्छा करेगा, और यहाँ पे मिलिट्री क्लास 4 जो इसकी ब्रांड वैल्यू है, मतलब इसकी क्वालिटी है, जैसे MSI, जैसे आप देख सकते हो कि कॉर्सियर में आपको पावर सप्लाई में आपको दिख जाता है गोल्ड प्लस और ब्रॉन्ज प्लस, वैसे ही इसमें मिलिट्री क्लास 4 ये मदरबोर्ड की MSI के एक क्वालिटी ग्रेड होता है, और इसमें गार्ड प्रो का भी सपोर्ट है, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है MSI की नॉर्मल सी। तो इसमें बात कर लेते हैं ये मुझे कितने का पड़ा, ये मदरबोर्ड मुझे पड़ा 3500 का, ये मेरे को दोस्तों की वजह से नहीं मिला, मेरे को इसका प्राइस ही 3500 है, ये आपको आराम से सेकंड हैंड मार्केट में 3500 से 4000 के अंदर आराम से मिल जाएगा, और इसका नई का प्राइस देखें तो आपको करीब करीब 6100 के आसपास मिलेगा, मतलब 6500 तक में आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा, और आपको ऑफलाइन लेने जाओगे तो आपको न्यू मिल जाएगा 5500 के आसपास, और ये 6000 को सपोर्ट करता है जो मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के अंदर। तो क्या जल्दी इस मदरबोर्ड पर PC बिल्ड आने वाला है जो मेरा खुद का होने, और ये दो तीन जो मैंने बजट PC सोच रखे थे वो उस पर PC बिल्ड करूँगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मिल नहीं पाएंगी मेरी वाली वीडियोस। तो गाइस लाइक कर दिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटे के अंदर ज़्यादा बनना वरना मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगी। तब तक के लिए बाय गाइस।